2023 में ऐसे ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज आए हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बेपनाह शोहरत हासिल की है। तो इस वीडियो में 2023 के अभी तक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल यूं ही। नाजरीन, हम टीवी पर चलने वाला ड्रामा सीरियल यूं ही 2023 का एक बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे सरबत नसीर ने लिखा और मोहम्मद एहतेशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की स्टोरी यूएसए में रहने वाली लड़की फातिमा गिल ढूंढती है जो अपने बाप के हमराव वापस पाकिस्तान आती है और यहाँ डॉक्टर दाऊद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी कर लेती है। ड्रामा सीरियल यूं ही में मायाली और बिलाल अशरफ ने मरकजी किरदार निभाया है और इन दोनों की अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। ड्रामा सीरियल यूं ही हम टीवी पर चलने वाला एक ऐसा ड्रामा है जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामा सीरियल एहराम ए जुनून। नाजरीन, इस साल के बेहतरीन और टॉप के ड्रामा में से ड्रामा सीरियल एहराम ए जुनून भी एक है जो अपने यूनिक और दिल को छू जाने वाली स्टोरी की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामा सीरियल एहराम ए जुनून को जहज़े कमर ने लिखा है और सैयद रमीश रिजवी इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं। ड्रामा में इमरान अब्बास, नीलम मुनीर और निमरा खान ने मरकजी किरदार निभाए हैं और इन तीनों ही की कमाल की अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। जबकि इमरान अब्बास का किरदार जो इन्होंने एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का किया है, इससे बहुत ज्यादा पसीराई मिली है। ड्रामा सीरियल एहराम ए जुनून जियो टीवी पर रिलीज हुआ। ड्रामा सीरियल तेरे आने से। नाजरीन, 2023 में जियो टीवी पर चलने वाला यह एक मेगा हिट पाकिस्तानी ड्रामा है जो कि रमजान स्पेशल ड्रामा था और इस ड्रामे ने देखने वालों के दिलों को छू लिया। ड्रामा सीरियल तेरे आने से एक कॉमेडी फैमिली और रोमांटिक ड्रामा था जिसमें मुनीब बट और कोमल मीर ने मरकजी किरदार निभाया। इन दोनों की नटखट अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल तेरे आने से को समरा बुखारी ने लिखा और जीशान अहमद ने डायरेक्ट किया। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तेरे आने से को जरूर देखना चाहिए और ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे देखने के बाद आप बोर नहीं होंगे। ड्रामा सीरियल कलंदर। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कलंदर वैसे तो 2022 में जियो टीवी पर रिलीज हुआ लेकिन 2023 के पहले चार महीनों तक इस ड्रामे ने ऑडियंस के दिलों पर राज किया। ड्रामा सीरियल कलंदर अपनी बेहतरीन स्टोरी की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी टॉप ट्रेंड बना रहा। इस ड्रामे की राइटर समरा बुखारी थी और साइमा वसीम की डायरेक्शन में तैयार हुआ ड्रामा सीरियल कलंदर में मुनीत भट्ट और कोमल मीर ने मरकजी किरदार निभाया और इन दोनों की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया जबकि अली अब्बास भी अहम किरदार में शामिल थे। ड्रामा सीरियल जून। 2023 के जितने भी ड्रामा आए हैं इनमें से ड्रामा सीरियल जून थोड़ा रूटीन से हटके है क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक ऐसी स्टोरी देखने को मिलेगी जो बहुत कम ड्रामा में होती है। ड्रामा सीरियल जून ने आते ही हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और खासतौर पर इंडियन ऑडियंस भी बड़े शौक से ये ड्रामा देख रहे हैं। ड्रामा सीरियल जून में जारा नूर अब्बास और हारून कड़वानी ने मरकजी किरदार निभाया है और हारून का आडवाणी की जुनूनी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। हाशिम नदीम की तहरीर करदा और अली फैजान की डायरेक्शन में बनने वाला ड्रामा सीरियल जून जियो टीवी पर रिलीज हुआ है। ड्रामा सीरियल कुछ अनकही। नाजरीन, अगर आपने अभी तक ड्रामा सीरियल कुछ अनकही को नहीं देखा तो फिर आपने कुछ नहीं देखा क्योंकि ड्रामा सीरियल कुछ अनकही 2023 का एक सुपरहिट रोमांटिक और सोशल ड्रामा है। इस ड्रामा को सईद मोहम्मद अहमद ने लिखा और नदीम बे की डायरेक्शन में तैयार हुआ ड्रामा सीरियल कुछ अनकही में बिलाल अब्बास खान और सजल अली ने मरकजी किरदार निभाया है और इन दोनों की नोकझोंक पर मधुबनी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। जबकि लीड कास्ट में मीरा सेठी, सैयद मोहम्मद अहमद, अदनान समद खान और शहरयार मुनव्वर सदीकी जैसे बड़े अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल कुछ अनकही ARY डिजिटल पर रिलीज हुआ था। ड्रामा सीरियल फेरीटेल। नाजैन, ये एक रमजान स्पेशल ड्रामा था और इतना हिट हुआ कि कई ड्रामा सोप के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस ड्रामे के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान में हुए बल्कि हमसाया मुल्क इंडिया में भी हुए और इंडिया में बड़े शौक से ये ड्रामा देखा गया और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर ये ड्रामा टॉप ट्रेंड बना रहा। ड्रामा सीरियल फेरीटेल को सारा मजीद ने लिखा है और अली हसन ने डायरेक्ट किया जबकि ड्रामे की मेन कास्ट में हमजा सुहेल, सहर खान, आईना खान और अदनान रजा मीर शामिल थे। ड्रामा सीरियल फेरीटेल एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो हम टीवी पर रिलीज हुआ। ड्रामा सीरियल चांद तारा। नाजरीन, ये एक और सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो 2023 में हम टीवी पर देखने को मिला। ये भी एक रमजान स्पेशल ड्रामा था। इस ड्रामे को ये एजाज हासिल है कि 2023 में जितने रमजान ड्रामाज आए इन सबसे ज्यादा ये ड्रामा देखा गया और पसंद किया गया जिसे साइमा अकरम चौधरी ने लिखा और दानिश नवाज की डायरेक्शन में ये ड्रामा तैयार हुआ।
ड्रामा सीरियल चांद तारा में आयजा खान और दानिश तैमूर ने मरकजी किरदार निभाया और इन दोनों की अदाकारी और जोड़ी ने इस ड्रामे को और भी स्पेशल बना दिया। ड्रामा सीरियल चांद तारा लाजमी देखना चाहिए अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था नाजरीन 2023 का ये एक मेगा हिट ड्रामा है जिसने हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि हर एपिसोड आते ही न सिर्फ आरपी में बल्कि यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड बन जाती है और हर तरफ इस ड्रामे के ही चर्चे होते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया और बांग्लादेश में भी ये ड्रामा टॉप ट्रेंड बना हुआ है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था को सिद्रा सेहर इमरान ने लिखा और बद्र महमूद ने डायरेक्ट किया। ड्रामा के लीड कास्ट में वहाज अली, हनिया आमिर और जेवियर नुमान इजाज ने मरकजी किरदार निभाया और इन तीनों ही ने ऐसी खो की अदाकारी की। ये ड्रामा सुपर हिट हो गया। ड्रामे की कहानी हो, अदाकारी हो और चाहे ओएसटी सॉन्ग हो, सभी कमाल के हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन नाजरीन अगर 2023 का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और मोस्ट पॉपुलर ड्रामा कोई है तो वो है ड्रामा सीरियल तेरे बिन, जिसके हर एपिसोड यूट्यूब पर 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन को नूरा मखदूम ने लिखा और सिराज उल हक की डायरेक्शन में ये ड्रामा तैयार हुआ। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में यमुना जैदी और वहाज अली ने मरकजी किरदार निभाया और इन दोनों की अदाकारी और जोड़ी ने इस ड्रामे को और भी स्पेशल बना दिया और ये ड्रामा जियो टीवी पर रिलीज हुआ।